जी हाँ जी ऐसे गुरु जी भाई ऐसे हाँ गलत का शराब पिए तो घर में रही ना का चुप रहो। हाँ धन्यम भाग है। हाँ ये हम लोग क्या करना है मुझे हाँ मैडम जी से उपाध्यक्ष है जो भी मीटिंग हुआ मीटिंग में ये भी गए मैडम श्री तो पूरा गांव को फिर एक बार शराबी शिक्षक द्वारा नशे में धुत होकर बच्चों से मारपीट एवं गाली गलौज किया गया है। नशा इतना ज्यादा कि अपनी पेंट भी गीली कर गए थे। पूरा मामला मुंगेली जिला अंतर्गत आने वाले पथरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत धूमा के आश्रित ग्राम बार गांव का है, जहां पर कक्षा पहली से पांचवी तक पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों के साथ गांव के ही शिक्षक सियाराम गोड़ द्वारा शराब पीकर गंदी गंदी गाली गलौज एवं मारपीट करने का मामला सामने आया है। बच्चों के साथ गंदी गंदी गाली गलौज और मारपीट तो करता ही है, साथ ही स्कूल में उपस्थित शिक्षिका के साथ भी नेतागिरी मत करो करके धमकी दिया जाता है और यही वजह है कि शिक्षिका काफी डरी हुई है। हमारी टीम ने जब छोटे छोटे बच्चों से जाकर पूछा तो बच्चों ने बताया कि शराबी शिक्षक एक दिन पहले ही छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देकर गया था, लेकिन छुट्टी के दिन भी शराब पीकर स्कूल में आए और बांस का डंडा लेकर छोटे छोटे बच्चों को इधर उधर से दौड़ा दौड़ा कर मारपीट कर रहे थे। इस दौरान वे गंदी गंदी गालियों का उपयोग भी कर रहे थे। तदुपरांत गाँव वालों ने समझाने की कोशिश भी की तो नशे की हालत में शिक्षक द्वारा गाँव वालों को भी वहाँ से चले जाने को कह दिया गया। फिर गाँव के पंच और सरपंच सभी मिलकर जब पंचनामा किए तब देखा गया कि शिक्षक शराब के नशे में धुत था, किसी भी व्यक्ति को नहीं पहचान रहा था। कौन छुट्टी में कौन कहता है छुट्टी में? कल के एप्लीकेशन है उसके बावजूद भी हाँ नहीं दिया नहीं दिया मैं आपको दिए मैं दिखाऊं नहीं दियो नहीं दिया कहाँ पे उसको देख बहुत बड़े नेता बन गए मैं अपना अधिकार बच्चों को देने के लिए आया। मेरा अधिकार है बच्चों के उपदेश मुझे दादागिरी करने के लिए नहीं, अगर दादागिरी करना है तो दादागिरी करो, बात है खत्म बस। अरे दादागिरी आप करो ना उपाध्यक्ष बनाओ हम नहीं करें गा दादागिरी गुरु जी तो अच्छा से पढ़ा के तुझे लड़का हम भेजा था लड़का इस तोर स्कूल लगा पर भागा तो देख के कोई बच्चे नहीं भाग रहे हैं तो आज के बाद थोड़ी हो तो कई साल हो गए कई साल हो गए ना दारू पी के आए के बाद में भी फिर वो समझाए भी हैं तो समझने के लिए तैयार नहीं है। मोर का कर लो जेन कर हाथ कर ले हम का करबो तो आगे हम सरकार से बात पहुंचाना चाहते हैं हर हमेशा की बात है। लगभग कितना समय हो गया? बहुत समय हो गए 3 साल 4 साल हो गए उकर बहुत शिकायत कर चुके हैं। शिकायत गांव वाले सरपंच से कोटवार से सब पूरा गांव पर मालूम है। गांव के बाहर शिकायत और सियान बन जाकर पथरिया ब्लॉक में भी कर चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं है कोई सुनवाई नहीं। और गांव वालों से मिली जानकारी के अनुसार शराबी शिक्षक इतने नशे में था कि खुद अपनी पेंट गीली कर गया था। हमारी टीम ने जब वहां पर उपस्थित शिक्षिका से जानकारी लिया तो शिक्षिका द्वारा भी शराबी शिक्षक को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। शिकायत एक दो बार किए हैं सर, अब ऐसा नहीं है गाँव में भी अब भाई मान मनोका हो जाते हैं तो चलो भाई गाँव का है अपंग है तो छोड़ो हटाओ। बच्चों के साथ क्या 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 करते हैं दारू पीने के बाद? ऐसा कुछ नहीं करता सर, गाली गलौज एक दो बार और थोड़ा बहुत मारपीट कर देता है दारू पीने का। हाँ वैसे तो दारू पीने के बाद नहीं आता स्कूल। पता ये भी चला है कि जो शिक्षिका है यहाँ उससे भी बदतमीजी किया है। कल आए थे हम लोग, पंचनामा बना के रखे हैं उसको जनपद में जमा करेंगे, पूर्व में भी सब लगाए होंगे, रिप्लाई में कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया। गांव वालों से जानकारी लेने पर बताया गया कि सिलसिला पिछले कई वर्षों से चलते आ रहा है। कई बार समझाइश देने के बाद भी यह शराबी शिक्षक बात मानने को तैयार नहीं है और इस बात की जानकारी सरपंच सहित उच्चाधिकारियों को भी है, परंतु अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। बहरहाल खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या शराबी शिक्षक को शिक्षा विभाग इतने वर्षों से बचाते आ रही है अब और कब तक ऐसे ही हालत में उसको बचाते रहेगी और बचाते ही रहेगी या फिर किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई भी करेगी। डर में घरे ले आते थे घरे ले आओ से अतिक पान हुआ थे तुम्हारा शिकायत नहीं कर सको मैडम मन हमन कैसे करिए पालक मन हम तो भाई दिन भर खेत चल रहे कि ऐसे ऐसे हुआ थे कि वो टीचर काम नहीं हो एसएमसी की दर्द में सदन हाँ
आपके जनप्रतिनिधि काम है पालक के पास जी। हाँ जी ऐसे गुरु जी भाई ऐसे ना गलत कर तो शराब पिए तो घर में रही ना का। चुप रहो। हाँ धन्यम धन्यम भाग है। हाँ ये हम लोग क्या करना है मुझे हाँ मैडम जी से उपाध्यक्ष है जो भी मीटिंग हुआ मीटिंग में ये भी गए मैडम श्री तो पूरा गांव को जय हिंद जय हिंद जय भारत। मनहरा बंजारे की रिपोर्ट आरजे रमझाझर।